inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. तो हे गाइस, अच्छा दोस्तों, तेजस फ्रॉम चेन्नई टेक्नोलॉजी बाइक कर। और हाँ, आज मैं निकल रहा हूँ दुबई के लिए। अभी सुबह मैं आज 3 बजे उठा था, आपको मैंने दिखाया था सुबह अपने कपड़े पहनते हुए। उसके बाद अब मैं आपको मिल रहा हूँ, मैंने आपको पूरे टाइम लैप्स दिखा दिए। तो यहाँ भी काफ़ी सारे शोरूम वगैरह हैं, अरमानी एक्सचेंज वगैरह कुछ, तो आधा एक घंटा मेरे पास है, तो उस टाइम में थोड़े घूमेंगे यहाँ पे, एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ सारा ड्यूटी फ्री मिलता है, आप आओगे तो आपको रेट भी कम मिलेंगे। तो अभी कुछ खाने वाने का देख रहे हैं, और अभी हम एयरपोर्ट पे हैं, तो अभी हमारे है फ्लाइट को 1 घंटा, तो उसके बाद जब हम जाते हैं प्लेन में तो आपको प्लेन की शॉट्स भी दिखा दूंगा। अभी तो 1 घंटा है, तो आपको उस टाइम में थोड़ी आके दिखा दूंगा और शॉट्स, और करते हैं एंजॉय। और आज हमारा फर्स्ट डे होगा दुबई में, अभी कुछ टाइम हो रहा है 6:30, और हमारी जो फ्लाइट है वो 7:20 कुछ की है। तो आपको दुबई पहुँचने के बाद दिखा दूंगा, प्लेन की शॉट्स भी दिखा दूंगा, और आपको सारा का सारा टाइम लैप्स सब दिखा दूंगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है, फर्स्ट जो है दुबई में पहुँच के आपको अपना पूरा रिजॉर्ट भी आज दिखा दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी। Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body. बस अभी हम पहुंच गए दुबई, और मैंने एयरपोर्ट पे शूटिंग नहीं की, एयरपोर्ट पे ऑब्वियसली काम हुए थे, और शिकार का थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ कि सो गया था। तो वहाँ पे प्लेन में क्या रात को बहुत लेट तक मैं नहीं सो पाया था, जल्दी उठना पड़ा था। तो अभी हम दुबई पहुंच गए, एक बार सीन्स और शॉट्स इन्जॉय करो जो मैंने अपने एच डी कैम से लिए। मेरे एच डी कैम से मैंने बहुत सारे शॉट्स लिए, बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत ज़्यादा सुंदर कंट्री है। एक बार सीन्स देखो, उसके बाद अभी अपने होटल जा रहा हूँ कैब में, अटलांटिस में हमने बुक कराया रूम, अटलांटिस रिजॉर्ट। तो आपको वहाँ जाके पूरा इस वीडियो में ओवरव्यू दिखाऊंगा अटलांटिस रिजॉर्ट का, कि क्या है क्या नहीं है, क्या वहाँ पे आपको कितना अच्छा है, क्या वहाँ की ब्यूटी है। दुबई तो बहुत ब्यूटीफुल है यार, एक बार आप शॉर्ट्स एंजॉय करो। बाकी वीडियो में आप सीधे रिजॉर्ट पहुँचे और बहुत लग रही है। और यहाँ अभी इस टाइम हमारे यहाँ पे रमजान का महीना चल रहा है, यहाँ पे खाने वाले दिक्कत है, बाहर हम नहीं खा सकते ऐसे। और तो अभी होटल में कुछ खाएंगे, और उसके बाद अभी आपको दिखाता हूँ पूरा होटल कितना बढ़िया है। अभी ये दुबई के शॉर्ट्स एंजॉय। अटलांटिस रिजॉर्ट हमारा, और आप देख सकते हो सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई, तो पूरा यहाँ रिजॉर्ट है। अभी आपको दिखाऊंगा अंदर से भी, अभी बहुत थके हैं, पूरा टूरिस्ट आ रखे काफ़ी सारे, और ये हमारा पूरा अंदर से दिखा दूंगा आपको अटलांटिस का नज़र। अभी बहुत थके हुए हैं, रूम में चलते हैं, उसके बाद आपको दिखा दूंगा पूरा कि रिजॉर्ट में है क्या क्या, और क्या क्या कैसा लगता है दुबई यहाँ से रिजॉर्ट से, और क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, पानी वगैरह सब कुछ। बस ये रिजॉर्ट अटलांटिस, एक बार लुक चेकआउट करो यार, क्या ब्यूटी है ये। यहाँ पे हम अभी स्टे ले रहे हैं, 1-2 दिन यहाँ पे, उसके बाद हमें दूसरी जगह जाना दुबई में। आज शायद वाटर पार्क भी रहेंगे, पहली वीडियो आज तो 1 जून है, 2 जून को अपलोड करूँगा सुबह में, जिसमें आपको दिखाऊँगा पूरा इंडिया से दुबई जो मैं एयरपोर्ट पर आया, और उसके बाद पूरा अपने रिजॉर्ट अटलांटिस का पूरा वॉक कराऊँ। अभी बहुत थके हुए हैं, रूम में चलते हैं, उसके बाद आपको दिखा दूँगा पूरा कि रिजॉर्ट में है क्या क्या, और क्या क्या कैसा लगता है दुबई यहाँ से रिजॉर्ट से, और क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, पानी वगैरह सब कुछ। तो वैसे एक बार ये अंडर वाटर देखो, और इसका पूरे वाटर पार्क का व्लॉग अगला व्लॉग आएगा पूरा। अभी जो व्लॉग होगा ये अटलांटिस का, आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि होटल में है क्या क्या, और आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। जो अगला व्लॉग होगा उसमें आपको दिखाऊंगा प्रॉपर
कि अटलांटिस के अंदर जो वाटर पार्क है वहाँ कौन कौन सी वाटर राइड्स हैं, क्या क्या आपको राइड्स करने को मिलेंगी, क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा अंदर, क्या मतलब क्या क्या स्पेशल है। अगर स्कूबा टैंक वगैरह करूँगा पानी में जाकर तो आपको भी दिखा दूँगा। एस डी कैमरा मैंने तभी लिया था इस ट्रिप के लिए भी, ताकि आपको सारे एक बार फिशेज देखा वहाँ पे। इस व्लॉग में आपको ये दिखाऊंगा कि एयरपोर्ट से इंडिया से दुबई और अटलांटिस में जो होटल है उसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा, तो पूरा दिखाऊंगा। अगले व्लॉग में आपको पूरा दिखाऊंगा पानी ही पानी और सारा फिशेज विशेज आपको सब दिखाऊंगा ए टू जेड। अगला व्लॉग जरूर से देखना, बहुत बढ़िया होने वाला है और ये भी बहुत अमेजिंग व्लॉग है। पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना। सारे व्लॉग आपको दिखाऊंगा दुबई के और ट्राई करूंगा रोज़ अपलोड करूँ सुबह सुबह, ताकि आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाए। वैसे एक बार लुक चेकआउट करो, ऐसा लगता सामने ही है बिल्कुल फिशेज। बहुत अमेजिंग है यार। अगले लोगों को पूरा दिखाऊंगा वाटर पार्क के अंदर सारी राइड्स वगैरह करते हुए, बाकी जितना पानी वानी सारा कुछ होगा सब दिखाऊंगा फिर से। अभी आपको एक ग्लिम्स दिखा रहा हूँ सबका। So, hey guys, what's up? मैं क्षितिज हूं फ्रॉम चैनल टेक्नोलॉजी बाइकर, और ऑब्वियसली अभी बहुत ही वीडियो देख ही रहे हो तो पार्ट वन चल रहा है अभी दो बजे व्लॉग का। तो अभी मैं जा रहा हूँ लिफ्ट में और अभी मैं करके आया हूँ सारी वाटर पार्क की राइड्स। वाटर पार्क की मैं सारी राइड्स कराया हूँ, वाटर पार्क पूरा पूरा विजिट कराया हूँ, पूरा वाटर पार्क घुमाया हूँ, सारा कुछ वहाँ पे हो गया है। तो अभी मैं मेरी फैमिली जा रहे हैं हमारा अटलांटिस, जहाँ पे मैं होटल बुक किया। तो ये जो वीडियो है अटलांटिस का पूरा ओवरव्यू आपको मैं दिखाया था, इंडिया टू दुबई की फ्लाइट और अटलांटिस का पूरा ओवरव्यू। तो वीडियो बीच में पॉज करी मैंने, क्योंकि बीच में वाटर पार्क जैसे आपको बताया था कि वाटर पार्क की टाइमिंग 6 बजे होती है और यहाँ पे हमारे पास एक ही दिन था। तो अटलांटिस अभी हम पूरा आपको दिखाऊंगा क्या क्या यहाँ पे है, जैसे रूम है आपको रूम दिखाऊंगा, आपको बताया था आपको दिखाऊंगा यहाँ के सारे रूम वगैरह, जहाँ पे जो भी है सर पूल वूल जिम जितने भी यहाँ पे आपको फायदे मिल जाते हैं पैसे देने के ज़्यादा अटलांटिस में होगा मिला था। अभी ऑफ सीजन में टिकट थोड़ी सस्ती है, वैसे बहुत महंगी होती है। तो आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। अभी तो मैंने आपको दिखाया था मेन मेन बाहर से कैसे दिखता है, कैसे एम्बियंस है, क्या है, बहुत बढ़िया क्राउड है, सब कुछ बहुत धासु है, एकदम एक नंबर है। बाकी अभी आपको रूम दिखाने जाता है, आपको भी रूम दिखाऊंगा और वाटर पार्क का पूरा व्लॉग शूट हो गया अटलांटिस वाटर पार्क का। तो वो आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो मिलेगी चैनल पर देखने को। बहुत मेहनत चल रही है दुबई में, मैं घूमने से साथ साथ अपने ब्लॉग्स से बहुत ध्यान दे रहा हूँ, पूरे टाइम ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, साथ में सब कुछ दिखा रहा हूँ ए टू जेड जो मैं देख रहा हूँ। आपको प्रॉमिस किया आपको अपने साथ दुबई घूमूंगा तो आपको ये सब करा रहा हूँ मैं। आपका पूरा ब्लॉग शूट हो गया तो आपको जल्दी अगली वीडियो देखने को मिल जाएगा, बहुत अमेजिंग है। एस डी एम से मैंने अंडर वाटर वीडियोज़ लिए हैं, वाटर राइड्स की वीडियोज़ लिए हैं, तो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं अटलांटिस में शो देखने, तो आपको अटलांटिस की ऑल ब्यूटी दिखाऊंगा। अभी तो मॉल के अंदर ही आप देख सकते हो पीछे से एम्बियंस वगैरह, बाकी आपको मैं ऑल ब्यूटी दिखाऊंगा कितना प्यारा है अटलांटिस का मॉल। तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, आपको देख के अमेज रहोगे। उसके बाद आपको रूम दिखाऊंगा, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। तो चलते हैं और वीडियो को उसके बाद में एंड कर देंगे। अभी आपको दिखाता हूँ सारा जो शो वगैरह होगा और सारा जो अटलांटिस मॉल को देखने को मिल रहा था हमारे रिजॉर्ट के स्पेशल प्लेस में। ये जो जगह है इसका नाम है लॉस्ट वर्ल्ड चैम्बर्स और ये हमारे रिजॉर्ट में ये जहाँ स्टे कर रहे हैं। आपको मैंने कहा था आपको रिजॉर्ट में पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगा इस वीडियो में, आपको दिखा रहा हूँ डिटेल में। एक बार पीछे देखो मेरे बैग में कितना कुछ बना हुआ है, एक बार वहाँ भी देखो मेरे बैग में। अभी कुछ खास दिखाने वाला है ही, नॉर्मल मछली वगैरह बहुत प्यारी बिल्ट है, बहुत ही प्यारी बिल्ट है। अभी मैं यहाँ पीछे भी देखो आपको दिखाता हूँ। एक बार देखो यार कितना अमेजिंग है यार। तो बस अटलांटिस मॉल में वो हुआ जो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, जो है वर्साचे, ओरिजिनल वर्साचे यहाँ पे है, बेलमेन पेरिस ये सब भी यहाँ पे है। तो लोगों को तो सारी ब्रांड्स का पता होगा कि मैं इनसे भी ब्रांड्स की ही जो मेरा बिज़नेस है वो सब मैं बेचता हूँ, कपड़े वगैरह गारमेंट्स वगैरह जो कॉपी होते हैं, क्वालिटी एकदम ओरिजिनल होती है। किसी को नहीं पता तो मेरा नीचे लिखा रहा होगा इंस्टाग्राम का लिंक, वो देख लेना ट्रेंडिंग मार्ट दिल्ली के नाम से। और आपको एक बात और बता रहा था लॉस्ट वर्ल्ड्स की आपको देखनी है, इस व्लॉग को मैं बहुत बड़ा नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने लॉस्ट वर्ल्ड्स को इंक्लूड नहीं किया, लॉस्ट वर्ल्ड्स को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और लॉस्ट वर्ल्ड्स के लिए आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, लॉस्ट वर्ल्ड्स का मैंने पूरी अलग से एक लाइव स्ट्रीम कर दी है। लॉस्ट वर्ल्ड बेसिकली यार वही है, वहाँ पे एक से एक शार्क्स हैं, एक से एक फिशेज़ हैं, स्टार फिश, जेली फिश, ये वो जो जो फिशेज आपने कहीं देखेंगे वो भी आपको सबको मिल जाएगा। और यहाँ पे वो परफ्यूम्स वगैरह चेक करो कितनी बढ़िया कितनी अमेजिंग है, और जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वो आपको लॉस्ट वर्ल्ड्स मिल जाएगा। सारी ऐसी फिशेज जो आपने इंडिया में कहीं देखी भी नहीं होगी, इंडिया का आप शायद बाहर भी नहीं देखी होगी, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी फिशेज हैं, तो उसको मिस मत करना, चेक ज़रूर से करना और ज़रूर से देखना सारा जो मैंने लाइव वीडियो में दिखाया है। तो अगर किसी ने नहीं देखी मेरी वीडियो वो लाइव स्ट्रीम वाले तो लास्ट वीडियो मेरे चैनल पर डलेगी, उसको जरूर से देख लेना। लास्ट वीडियो भी मैंने अपलोड करी है कल और आज मैं डाल रहा हूँ मोस्ट ऑफली दो वीडियो 2 जून को, 1 जून को मैं लाइव स्ट्रीम कर दी। और फिर से एक बार लास्ट बता रहा हूँ मैं लाइव स्ट्रीम इसलिए कर दूँ कि हर चीज़ का ब्लॉग बनाना मुश्किल हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग जानते ही हो। सुबह से आया हूँ वाटर पार्क, हर जगह ब्लॉग बनाया है, कैमरा संभाला है, फुल मेहनत की है, लेकिन यार बात हुई जाती है, पर्सनल लाइफ चल जाती है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना जो होता है सारा कुछ चल जाता है। तो इसलिए मैं सोचा कि लाइव स्ट्रीम कर देता हूँ, आप लोगों को भी ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा कंटेंट, आपको डिटेल में मिल जाएगा।
और आप लोग लाइव मेरे साथ घूम लोगे पूरा अटलांटिस का जो है यहाँ पे लॉस्ट वर्ल्ड, तो ज़रूर से लाइव स्ट्रीम देखना, अगर नहीं देखिए आप कंटिन्यू करते हैं स्लॉट को।